हाय गाइस, तो आज हमारे पास है नाइट्रो इंजन। तो इसको हमने करना है रिपेयर और इसकी करनी है रेस्टोरेशन। ये देख सकते हैं आप, इसको न्यू करना है आज। तो इसको लेते हैं खोल। आपको चाहिए एल की, हथियार से इसको खोल लेना है क्योंकि इसका ग्लास लगा होता है तो उसको नुकसान ना पहुंचे। तो अभी खुल गया, ये देखें। ये प्लग लगा हुआ है बीच में, वो क्या कहते हैं इसको। अच्छा, तो ये देखें, बिल्कुल VIP तरीके से वर्क कर रहा है बीच में। इसको लेते हैं अभी खोल। ये देखें, ये लगा हुआ है इसका क्लच सिस्टम। जब ये ज़ोर से घूमता है तो इसके ये लेदर खुलते हैं। ये देखिए, इस तरह ना खुल जाते हैं, काफ़ी मज़बूत काम किया हुआ। तो गाइस देखें, मैंने जो है ना अभी इसको खोल लिया है, इनको ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये बैरंग था छोटा सा, ये प्लेट है, अब हमें क्या करना है इसको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए ग्लास को हमने निकालना है और बड़ी एहतियात से निकालना है। हम यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ का यूज़ करते हैं ताकि ना, देख सकते हैं ग्लास लिया है निकाल, कार्बोरेटर, अभी कर लेते हैं बात पिस्टन की कि पिस्टन को कैसे निकालना है। ये देखें जी, पिस्टन भी निकल गया। यहां से इसका ऑयल जाता है, पेट्रोल। तो अभी इसको जो है ना हमने अच्छी तरह से साफ कर लेना है पेट्रोल से। एक एक पुर्जा इसका साफ कर लेना है हमने अच्छी तरह से पेट्रोल से। तो गाइस, पेट्रोल से इसको धो के फिर इसको जो है ना हम ब्रश से साफ कर लेते हैं अच्छे तरीके से।
ये अब इसकी ट्यूनिंग हो रही है। अब गाइस जो है हम इसको संभल कर लेते हैं, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें जो है ना इसको लगा लेते हैं। उसके बाद ये अभी हम इसमें जो है ना क्रैंक शाफ्ट लगा लेते हैं। और इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से बंद। अब कुछ चीज़ें यह है कि मोबाइल हम इसको थोड़ा सा लगा देते हैं बंद करने से पहले। अब गाइस हमने जो है ना इसको लिया है लगा अच्छी तरह से मोबाइल को, तो अब हम इसे असेंबल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया इसके ऊपर। अब आ जाता है जी नट इसका। तो गाइस इसको मैंने कर लिया असेंबल, मैंने सोचा आपका टाइम ना जाया, तो अब लगा लेते हैं पिस्टन को। बगैर टाइम जाए कि हम इसको जो है रेडी कर लेते हैं। ये लग गया जी पिस्टन। ठीक है जी, अब इसमें भी हम सेम जो है ना इसको लेते हैं लगा। अब हम डाल देते हैं सिलेंडर। सिलेंडर को बड़ी एहतियात से डालना है आपने। तो गाइस देख सकते हैं हमारा नाइट्रो इंजन रेडी हो गया है बड़ी प्यारी शेप में। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हम अपना इंजन खुद का बनाएंगे, इसी तरह का बनाएंगे। तो जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।